गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो बच्चों? आया कल का कॉन्सेप्ट समझ में आपको अच्छे से? प्रोबेबिलिटी के जो भी क्वेश्चन मैंने कल आपको कराए थे देख के आए? कार्ड्स वाले, इसके अलावा डाइस वाले जो भी क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किए थे, आज मैं टू डाइस वाला क्वेश्चन लेके आया हूँ। और CBSE में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है यार, या तो कार्ड्स वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एकदम डिफरेंट, या फिर ये टू डाइस वाला। अभी तक मैं एक सिंगल डाइस फेंकता था, आज मैं टू डाइस एक साथ फेंकूंगा। तो देखिए, ऐसी कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है ना वो तो चेंज होंगे ही सही। यहाँ पे एक इतनी इंटरेस्टिंग टेबल बनाऊंगा कि वो टेबल बनते ही जितने भी क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं ना सबकी पिक्चर खत्म है एक ही बार में। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, आपने टू डाइस को एक साथ थ्रो किया, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो ये इतने सारे जो कुछ भी मैंने पार्ट्स दे रखे हैं अभी एक मिनट में खत्म होने वाले। टू डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो मैं आपको अभी से कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जब हम वन डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आते हैं? सिक्स आते हैं। इसका मतलब डाइस को थ्रो करने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, आपको याद रखना है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के लिए जो आप ट्रिक याद रखेंगे मेरी, वो होता है बच्चों 6 raised to the power n। जैसे मैंने आपको कॉइन में सिखाया था ना 2 raised to the power n, 1 कॉइन है तो 2 की पावर 1, 2 कॉइन है तो 2 की पावर 2, 3 कॉइन है तो 2 की पावर 3। डाइस के केस में पता है क्या होता है? 6 raised to the power n, मतलब 1 डाइस तो 6 की पावर 1, 2 डाइस तो 6 की पावर 2, और 3 डाइस तो 6 की पावर 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इसका मतलब इफ़ वी आर थ्रोइंग 2 डाइस, इट मीन्स हियर वी आर गेटिंग टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 raised to the power 2, दैट इज 6 square, इट मीन्स 36। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास यहाँ पे कितने आएंगे? 6 की पावर 2, 36 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मेरे पास यहाँ पे आएंगे। अब मैं टेबल जो बनाऊँ आपको मज़ा आ जाएगा। एक डाइस मेरी है और एक डाइस इधर से मेरा फ्रेंड फेंक रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, इधर से मैं डाइस फेंकता हूँ, इधर से मुश्ताक सर से फेंकवा देते हैं, ठीक है ना बच्चों? बहुत मज़ा आएगा आपको। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले मैंने मेरी डाइस फेंकी, इस पे 1 आया, सर की डाइस पे नंबर चेंज होते जा रहे हैं, मेरी किस्मत अभी ख़राब चल रही। 1, 1 सबसे पहला आउटकम ये हुआ, मेरी डाइस पे 1, सर की डाइस पे भी 1। अब मेरी तो किस्मत ख़राब चल रही ना, तो मेरी डाइस पे तो बार बार 1 ही आ रहा है, और सर के मज़े आ रहे हैं, इनके चेंज हो रहा बार बार। तो अब की बार क्या आ गया? 1, 2। बड़े इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। ये जो आउटकम्स आएंगे, ये आपके पास जितने भी टोटल आउटकम्स आएंगे ना जब आपने इस वाले एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया है। तो देखिए 1, 1, 1, 2, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे 1 ही आता है, सर के चेंज होता है, मेरे 1 सर के 1, मेरे 1 सर के 2, मेरे 1 सर के 3। मज़ा आ गया होगा आपको मैं क्या करने जा रहा हूँ। 1, 4, 1, 5, ठीक है। और अब एक लास्ट और सीन रह गया, 1, 6। इसके आगे तो कुछ भी नहीं होगा, इसके आगे तो सर की भी किस्मत नहीं चलने वाली। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 डाइस पे यही तो नंबर होते हैं। तो मेरी किस्मत ख़राब थी, मेरा 1 आ रहा था, उनके बार बार चेंज हो रहा था। अब मेरी किस्मत थोड़ी खुल गई, अब मेरे 2 आने लगा, लेकिन वापस वहीं पर अटक जाऊँगा मैं। तो अब क्या हुआ है, प्रोग्राम 2, 1। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या करूँगा, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, ठीक। अब मेरे 3 आएगा, इनके चेंज होता रहेगा, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, ठीक है बच्चों। अब 4 का नंबर ले लेते हैं, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, ये लो। 5 का नंबर आ जाएगा, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, मतलब सीधा सा लॉजिक है कि मेरी डाइस पे तो नंबर ही फिक्स हो जाता है और सर की डाइस पे नंबर चेंज होता रहता है बार बार, उनके मज़े आ रहे हैं और मैं एक ही नंबर लेके घूमता हूँ बार बार। 5, 4, 5, 5, 5, 6। अब क्या हुआ, अब मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन बच गया कि मैं 6 ला सकता हूँ, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। इसके आगे तो कुछ नहीं होता ना, इसके आगे भी कुछ किसी के समझ में आ रहा हो तो बता दो,
कोई बोला कि सर 7.1 आप 7 ले आओ, और 7 कहाँ से ले आऊँगा मैं डाइस पे, डाइस पे तो मैक्सिमम जो मेरे पास आता है वो क्या आता है, 6 आता है। तो इसके बाद तो मेरी भी पिक्चर ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब आपके सामने ये एक टेबल प्रिपेयर हो चुकी है बच्चों। इस टेबल को अगर आपने बना लिया तो ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आए वो तो बिल्कुल साइड से निकलेगा, कह रहे भैया यार ये तो सोल्व कर देगा, लफड़ा डालेगा तो अपने। तो ये टेबल आपको याद रखनी है किस तरह से बनानी है। बाकी अगर कौन एक सेकंड लगेगा, ये देखिए 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 ऐसे ही 2 के साथ, ऐसे ही 3 के साथ, इन द सेम मैनर 6 के साथ। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। पहला क्वेश्चन है एन इवन नंबर इज द सम। सम क्या आना चाहिए? इवन नंबर। इसका मतलब पहली डाइस पे आप जो फेंक रहे हैं वो वाला नंबर और सेकंड डाइस पे आप जो फेंक रहे हैं वो वाला नंबर, दोनों का सम क्या आना चाहिए? इवन नंबर। तो दोनों का सम इवन नंबर आना चाहिए। तो देखिए पहली बात तो ये वाला केस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1+1 कितना होता है? 2। तो एक केस तो ये हो गया 1.1 में, टोटल तो फिक्स है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला तो मैं आपको कल ही सिखा चुका हूँ। किसी भी अगर इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, फॉर्मूला तो वही चलेगा। बस चेक करना होता है कि फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं। 1.1 आएगा क्योंकि दोनों को प्लस करते हैं, मेरे पास क्या आ रहा है बच्चों? 2 आ रहा है। इसको छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों को प्लस करने पे ओड नंबर आता है, 1+2, 3 होता है। तो देखिए 1.1 मेरा है फेवरेबल आउटकम, 1.3 भी है, तो इस वाली लाइन में सब ओड आएंगे, देखना आप। ऐसे ही 1.4 में है, 1.5 भी है। ठीक है, इवन नंबर आने चाहिए सम में। तो 1.1, 1.3, 1.5 सेकेंड वाली रो में चलते हैं। 2.1 बिल्कुल आएगा, 2.2 बिल्कुल आएगा, ये 2.1 आएगा क्या? 2.1 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इवन नंबर चाहिए बच्चों सम। तो 2.2 आएगा, 2.4 आएगा, 2.6 आएगा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ओड नंबर वाली रो में ओड और इवन नंबर वाली रो में इवन आएंगे, देखना आप। अब यहाँ पे 3.1 आएगा क्योंकि दोनों को प्लस करने पे 4 आता है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे 3.3 आएगा, 6 आएगा दोनों को प्लस करने पे, 3.5 आएगा। क्लियर है? अब इस वाली रो का नंबर आगे यहाँ पे आएगा 4.2, 4.4, 4.6। प्लस करना है और सम इवन नंबर आना चाहिए। आप अपना टारगेट भूल मत जाना, एन इवन नंबर इज द सम। इस वाली रो में किसका नंबर आएगा? इस वाली रो में नंबर आएगा 5.1 का, फिर 5.3 का, फिर 5.5 का। ठीक है बच्चों, इस वाली रो में नंबर आएगा 6.2, 6.4, 6.6। तो मेरा डायलॉग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओड नंबर वाली में ओड और इवन वाली में इवन, यही तो ले रहे। देखिए ओड वाली में ओड लिया आपने 1, 3, 5, इसमें लिया आपने 2, 4, 6। तो पहले क्लियर था हमारा डायलॉग। तो हर रो में आपके पास कितने फेवरेबल आउटकम आ रहे हैं? 3। देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो कितने हो गए? 3। और ये कितनी रोज है टोटल? 6। तो 18 आउटकम्स आए आपके पास, 3, 3, 3, 3, 3, 3। तो हर आपको पता है एक रो में 3 है और कितनी रोज है? 6 रोज है। या फिर काउंट कर लीजिए, हम तो आपको शानदार ट्रिक बता रहे हैं भैया कि हर रो में 3 है और टोटल रोज कितनी है? 6 है, 6 × 3 = 18। तो इसका आंसर आएगा भैया 18/36। और तुझे काटना अच्छे से आता है, 18 × 36 आंसर आ जाएगा 1/2। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस आउटकम। द सम इज अ प्राइम नंबर। आपके पास सम क्या होना चाहिए भाई? प्राइम नंबर होना चाहिए। तो पहले तो खोपड़ी में क्लियर होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं। जिसको ये पता होता वही करेगा इसको तो सोल्व। द सम इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर लिख लीजिए 2, 3, 5, 7, 11 और इसके बाद 13 तो मुझे लिखने की नीड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम सम तो मुझे 12 मिलता है ना, 6+6 = 12। और मुझे अगर प्राइम नंबर चाहिए तो 11 के बाद कौन आएगा? 13 तो कभी आने का ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए? मुझे 2 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, 7 चाहिए और 11 चाहिए। ये मेरा सम आना चाहिए और इस कंडीशन के लिए मैं अब फेवरेबल आउटकम लेना स्टार्ट करूँगा। तो देखिए मेरे पास क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए सम। तो ये केस तो लेना पड़ेगा क्योंकि 1+1 = 2 होता है। 3 भी आना चाहिए, 1+2 = 3 होता है, ले लिया। ये नहीं आएगा। 1+4 = 5 होता है, ये केस आएगा। उसके बाद देखिए 1+6 = 7 होता है, ये केस भी आएगा। तो फर्स्ट रो में कितने हैं? फर्स्ट रो में मेरे पास 4 है, यहाँ साइड में लिख लीजिए आप, ताकि अपन को डायरेक्ट प्लस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट रो में 4 है। सेकेंड रो में हमारे पास आ जाएगा 2.1 क्योंकि दोनों का सम 3 होता है। फिर ये भी आ जाएगा 2.3 क्योंकि दोनों का सम बच्चों क्या होता है? 5 होता है।
फिर 2.5 ये भी आ जाएगा क्योंकि दोनों का सम 7 होता है, तो इस रो में मेरे पास ओनली 3 है, कितने बच्चों ओनली 3, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। 3.1 नहीं आएगा, 3.2 आएगा क्योंकि दोनों का सम 5 होता है, 3.4 आएगा क्योंकि दोनों का सम बच्चों कितना होता है 7 होता है, और 3.5 3.6 दोनों नहीं आएंगे, तो इस रो में कितने आए मेरे पास 2 फेवरेबल आउटकम्स आए। देखिए आप इस वाली रो में 4.1 आएगा क्योंकि दोनों का सम 5 होता है, 4.3 आएगा क्योंकि दोनों का सम 7 होता है, और उसके बाद कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 8 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, और ये प्राइम नंबर नहीं होते हैं। तो इस रो में कितने मिले, इस रो में भी मुझे 2 मिले भैया। अब इसका नंबर आ गया तो यहाँ पे 5.2 बिल्कुल आएगा क्योंकि 5 + 2 = 7 होता है। फिर आ जाइए आप, 5 + 3 नहीं आएगा, 5 + 4 = 9 ये भी नहीं आया, 5 + 6 बिल्कुल आएगा क्योंकि दोनों का सम 11 होता है। तो इस रो में मुझे कितने मिले, इस रो में मुझे 1 और 1 2 2 मिले भैया। ठीक है सर, अब इस वाली रो का नंबर आए यहाँ पे आ जाएगा 6.1 क्योंकि दोनों का सम बच्चों 7 होता है, 6.2 नहीं आएगा, 6.3 नहीं आएगा, 6.4 भी नहीं आएगा, 6.5 आएगा क्योंकि दोनों का सम 11। तो इस वाली रो में भी मुझे कितने मिले, 2 मिले। तो देखिए ये ट्रिक शानदार थी ना यार, कि इधर जो जो भी आते जा रहे हैं ना सबको काउंट करके लिख लिए, 4 + 3 = 7, 7 + 2 = 9, 9 + 2 = 11, 11 + 2 = 13, 13 + 2 = 15। इट मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 15, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी इज 15/36। इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 15/36, और अगर 15/36 प्रोबेबिलिटी है तो इसके बाद आप बहुत अच्छे से जानते हैं आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कट करना है। किससे कट होगा, 3 से कट हो जाएगा ये 5 बार, और ये कट हो जाएगा 12 बार, 5/12 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, आ रहा है ना मज़ा, कितना सिंपल हो गया, ये टेबल बनते ही काम आसान हो जाता है। अब देखिए अ टोटल ऑफ 8 लिस्ट 10 से मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि आंसर क्या क्या आते हैं। 8 लिस्ट का मतलब कम से कम 10, उससे ज़्यादा भी चलेगा। तो 8 लिस्ट में मैंने आपको समझा रखा है ऊपर तक जाते हैं और 8 मोस्ट में नीचे तक आते हैं। तो 8 लिस्ट 10 का मतलब सम आपके पास 10 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, और 12 भी आ सकता है। तो अ टोटल ऑफ 8 लिस्ट 10 का मतलब होता है कि आपको 3 फेवरेबल आउटकम चाहिए, 10 चाहिए, 11 चाहिए और 12 चाहिए। तो 10, 11, 12 मुझे चाहिए। तो इसको लाने के लिए देखिए आपको मज़ा आने वाला है। क्या चाहिए आपको सम, लिख लेते हैं यहाँ पे, आपको चाहिए 10, आपको चाहिए 11, और आपको क्या चाहिए, आपको 12 भी चाहिए, बिकॉज दिस टाइम यू वॉन्ट टू गेट अ सम ऑफ 8 लिस्ट 10, इट मीन्स 10, 11, 12, 8 लिस्ट में ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो 10, 11, 12 चाहिए, तो 10, 11, 12 अगर चाहिए तो बहुत मज़ा आएगा। आप भी कहेंगे कि सर पहली रो में तो कोई भी नहीं आएगा क्योंकि इनको प्लस करने पे कभी भी 10 नहीं आ रहा, क्या करें, इन बेचारों की भी पिक्चर ख़त्म है क्योंकि अभी जब 10 ही नहीं आ रहा तो 11 पे तो क्या सोचें। इन बेचारों पे भी कभी भी नहीं आएगा क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे 3 + 6 कितना होता है, 9 होता है। लेकिन इस भाई वाली रो में एक मेरे पास आउटकम आ चुका है 4 और 6, क्योंकि 4 + 6 कितना होता है, 10 होता है। तो इस वाली रो में मिला मुझे 1 आउटकम फेवरेबल। अब इस वाली रो का नंबर है, यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मुझे एक तो मिल रहा है बच्चों 5.5 10, एक मिल रहा है 5.6, दोनों का सम कितना होता है 11। तो इस रो में मुझे कितने आउटकम मिले, 2। थर्ड रो ये जो यहाँ बची है मेरे हिसाब से 6th रो है, 6.1 6.2 6.3 6.4, 10 आ गया, यहाँ पे सम आ गया 11, यहाँ पे सम आ गया 12। तो ये तीनों आपके फेवरेबल आउटकम है, दिस वन, तो कितने हैं ये 3, यहाँ पे 3 लिख दीजिए और आपका आंसर आ चुका है, आपको मज़े आ चुके हैं। 3 + 2 = 5, 5 + 1 = 6, इट मीन्स द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 6 एंड द आंसर इज 6/36, दैट इज 1/6, 6 से कट जाएगा 1/6 टाइम्स। अब फोर्थ पार्ट, अ डबलेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर का डबलेट, इवन नंबर का क्या चाहिए, डबलेट चाहिए। तो इवन नंबर का डबलेट का मतलब इस वाली डाइस पे और इस वाली डाइस पे, दोनों डाइस पे इवन नंबर सेम होना चाहिए। तो इवन नंबर के डबलेट का मतलब क्या होता है, बहुत मज़ा आने वाला है, 2.2, क्योंकि इवन नंबर कौन है, 2 है, 4 है और 6 है, और उसका क्या चाहिए, डबलेट चाहिए। तो मतलब मेरी डाइस पे भी 2 और सर की डाइस पे भी 2, मतलब करण सर के भी 2 आना चाहिए और मुश्ताक सर के भी 2 आना चाहिए। आया कि नहीं आया मज़ा, बार बार यही थोड़ी जीतता रहेगा, मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा ज़िंदगी में। तो 2.2, फिर
टू कोमा फोर आएगा क्या? नो no. क्यों? क्योंकि डबलेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर का डबलेट चाहिए, मतलब फोर कोमा फोर, और थर्ड सिक्स कोमा सिक्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं भैया, क्योंकि इवन नंबर टू फोर सिक्स होता है डाइस पे, और उसका डबलेट चाहिए, तो मेरे भी टू, इधर भी टू, मेरे भी फोर, सर के पास भी फोर, मेरे पास भी सिक्स, सर के पास भी सिक्स, तो आंसर क्या आ जाएगा? थ्री फेवरेबल आउटकम्स, टू कोमा टू, फोर कोमा फोर, सिक्स कोमा सिक्स, इट मीन्स द प्रोबेबिलिटी इज थ्री अपॉन थर्टी सिक्स, थ्री अपॉन थर्टी सिक्स, थ्री से थर्टी सिक्स कट जाएगा ट्वेल्व टाइम्स, आंसर आ जाएगा वन अपॉन ट्वेल्व, ये आ गया आपका आंसर वन अपॉन ट्वेल्व. अ मल्टीपल ऑफ टू ऑन वन डाइस, ये बड़ा अच्छा है, ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है. तो देखिए आपको क्या बोला जा रहा है, अ मल्टीपल ऑफ टू ऑन वन डाइस एंड अ मल्टीपल ऑफ थ्री ऑन अदर डाइस. एक डाइस पे तो टू का मल्टीपल, मतलब मेरी डाइस पे टू का मल्टीपल और मेरे खास दोस्त के डाइस पे थ्री का मल्टीपल, या फिर बात इंटरचेंज भी हो सकती है, उसकी डाइस पे टू का मल्टीपल, मेरी डाइस पे थ्री का मल्टीपल, दोनों बातें लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ी इंडिकेट किया है कि करण सर की डाइस पे थ्री का आना चाहिए और मुश्ताक सर की डाइस पे टू का आना चाहिए. यहाँ तो क्या बोला है कि हम दोनों में से किसी भी एक की डाइस पे टू का और दूसरे की डाइस पे थ्री का, उसके पे टू का तो मेरे पे थ्री का, और मेरे पास टू का तो उसके पास थ्री का, क्लियर है? तो देखिए अ मल्टीपल ऑफ टू ऑन वन डाइस एंड अ मल्टीपल ऑफ थ्री ऑन अदर डाइस, कैसे करेंगे? टू का मल्टीपल मेरे पास, तो ये पहली रो की तो वैसे ही पिक्चर खत्म, क्योंकि यहाँ टू की तो कोई बात ही नहीं चल रही है. ठीक है, अब इस रो का नंबर लिया तो इसमें मज़ा आ गया. ये देखिए मेरी वाली पे टू, सर की पे थ्री, ये लो साहब, इस पे आ जाइए अब, मेरी वाली पे टू और सर की वाली पे थ्री, ये आ गया मेरी वाली पे टू का और ये सर की वाली पे थ्री का, तो यहाँ पे दो आउटकम मिले, टू कोमा थ्री, टू कोमा सिक्स, उधर साइड में लिख लीजिए ताकि दिक्कत नहीं आएगी, ये टू, ठीक है सर, थ्री, थ्री कोमा टू, इंटरचेंज करवा सकते हैं, मैंने आपसे बोला था कि मेरी पे थ्री का आ सकता है, सर की पे टू का आ सकता है, तो ये थ्री कोमा टू लेंगे बिल्कुल, ठीक है. उसके बाद आ जाइए थ्री कोमा फोर आएगा, क्योंकि मेरी पे थ्री का आ गया, सर की पे टू का आ गया, थ्री कोमा फोर. उसके बाद ये भी आएगा थ्री कोमा सिक्स, क्योंकि मेरी पे थ्री का है, अब की बार सर की पे टू का है, क्योंकि सिक्स भी तो टू का मल्टीपल है, ये भी आ गया, तो अब की बार कितने मिल गए फेवरेबल आउटकम, वन टू थ्री, ये लिख लिया हमने यहाँ पे थ्री. अब इस वाले डाइस का नंबर आया, इस वाले डाइस का नंबर आया, तो यहाँ पे आएगा फोर कोमा थ्री, क्योंकि ये टू का मल्टीपल है, ये थ्री का मल्टीपल है, ठीक है. इसके बाद ये वाला आएगा फोर कोमा सिक्स, बाकी ये कोई भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे कितने फेवरेबल आउटकम आए, टू आपको यहाँ से मिले. अब आ जाइए 5.1, 5.2, 5.3, 5. ये पूरी की पूरी रो ही डिस्कार्ड करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 के मल्टीपल चल रहे हैं, बात ही नहीं है. अब आ जाइए आप 6.1, 6.2, ये आ गया भैया 6.2, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल, ये 2 का मल्टीपल, ये और मज़े दिलाएगा अभी. 6.3, ये भी आ गया, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल. फिर 6.4, ये भी आ गया, क्योंकि ये 2, ये 3 का है और ये 2 का है. 6.5 नहीं आएगा, और 6.6 बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली आएगा. तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, फोर यहाँ से मिलते हैं मुझे, तो मुझे यहाँ से फोर मिलते हैं, तो मेरा काम एकदम शानदार हो गया. देखिए इस वाली रो में कोई भी नहीं था, नहीं लिया, इस वाली रो में कोई भी नहीं था, क्लियर है? क्योंकि एक डाइस पे टू का तो दूसरे डाइस पे थ्री का होना चाहिए, ये कंडीशन थी. इसके साथ ये मैंने पूरी की पूरी आपके सामने कंडीशन बना दी है. तो फर्स्ट डाइस में सेकेंड वाली रो में टू है, थर्ड वाली रो में थ्री है, फोर्थ वाली रो में टू है, और लास्ट वाली रो में फोर है. तो काउंट कर लीजिए, 2 + 3 = 5, 5 + 2 = 7, 7 + 4 = 11. इट मीन्स द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 11 एंड द आंसर इज 11/36. तो इस वाले पार्ट का आंसर आ गया 11/36. 11 प्राइम नंबर है, इससे कटता नहीं, कुछ नहीं हो सकता, दिस इज द आंसर. सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, दैट इज अ डबलेट. दोनों डाइस पे सेम नंबर, इससे आसान क्या हो गया? दोनों डाइस पे सेम नंबर मतलब मेरे पास भी वन, सर के पास भी वन, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, ये चल गई कहानी. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 और 6, 6, ये बना दिया मैंने आपके लिए एकदम शानदार प्रोग्राम. ये बन गया बच्चों, ये सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, दैट इज डबलेट. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6/36, क्योंकि हर रो में एक आपके पास फेवरेबल आउटकम है. तो इस वाले पार्ट का आंसर आ गया 6/36, कट कर देंगे 1/6.
लास्ट पार्ट है अ मल्टीपल ऑफ थ्री इज द सम, सम जो है ना वो थ्री का मल्टीपल होना चाहिए, तो सम थ्री का मल्टीपल होना चाहिए। तो थ्री के मल्टीपल आपको पता होने चाहिए कि थ्री के मल्टीपल क्या क्या होते हैं। थ्री का मल्टीपल है थ्री, फिर आएगा सिक्स, फिर आएगा नाइन, फिर आएगा ट्वेल्व। इसके ऊपर तो जा ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ट्वेल्व के ऊपर तो सम यहाँ पे आ ही नहीं सकता ना हमारे पास। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए थ्री चाहिए, सिक्स चाहिए, नाइन चाहिए, ट्वेल्व चाहिए। कब? जब दोनों डाइस के नंबर्स को हम क्या करते हैं बच्चों, प्लस करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या चाहिए, सम चाहिए। कितना? थ्री, सिक्स, नाइन और ट्वेल्व। तो थ्री कहाँ पे आ सकता है सम? ये आ गया वन कोमा टू, क्योंकि दोनों को प्लस करने पे थ्री आ रहा है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे सम सिक्स आ रहा है, वन कोमा फाइव। अगर दोनों को प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? सिक्स मिलेगा। तो फर्स्ट रो में टू फेवरेबल आउटकम है, ठीक है बच्चों। अब सेकेंड रो का नंबर लेते हैं कि सेकेंड रो में क्या होने वाला है। देखिए 2.1 दोनों को प्लस करेंगे 3 आएगा, ये हो गया फेवरेबल आउटकम। 2.4 दोनों को प्लस करेंगे 6 आएगा, ये भी हो गया फेवरेबल आउटकम। फिर उसके बाद यहाँ पे और कोई भी नहीं है आपके पास, तो इस वाली रो में भी आपके पास 2 फेवरेबल आउटकम्स है। ये वाली रो हमने स्टार्ट करी, इस रो में हम बात कर रहे हैं 3.2, 3.1 दोनों नहीं आएंगे, 3.3 दोनों को प्लस करने पर 6 आ रहा है, ये मेरा फेवरेबल आउटकम है। फिर उसके बाद 3.6 दोनों को प्लस करने पे 9 आ रहा है, ये भी मेरा फेवरेबल आउटकम है। तो इस वाली रो में भी मुझे 2 फेवरेबल आउटकम्स मिले। इस वाली रो का नंबर लिया 4+2 6 है, सम आ गया मेरे पास 6, तो ये मेरा फेवरेबल है। आ जाइए आप इसके बाद 4.5 9 आएगा, और 9 3 का मल्टीपल होता है, तो ये भी मेरा फेवरेबल आउटकम है। तो यहाँ पर भी मुझे 2 मिलते हैं। इस वाली रो का नंबर लगा 5.1 दोनों को प्लस करने पर 6 आ रहा है, 5.4 दोनों को प्लस करने पे 9 आ रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे भी मुझे 2 फेवरेबल आउटकम्स मिलते हैं। अब इसका नंबर आता है 6.1 6.2 6.3 दोनों को प्लस करने पे 9 आ रहा है, यस मेरा फेवरेबल आउटकम है। और लास्ट में मुझे वहाँ पे मिल रहा है 6.6 दोनों को प्लस करने पे क्या आता है 12, तो वो भी तो 3 का मल्टीपल है, तो ये भी मेरा फेवरेबल है। तो यहाँ पे मुझे कितने मिले? 2 मिले। तो कहानी कितनी क्लियर है, सभी रो के अंदर आपके पास 2 फेवरेबल आउटकम है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, एंड द आंसर इज 12/36। दिस इज द आंसर 12/36। और 12/36 अगर आप लिखते हैं तो आपको पता है कि 12 के टेबल में 36 थ्री टाइम्स आता है, 1/3 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और CBSE में सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन आता है। अब तो सारे क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी, जो भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा, क्लियर है? देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेके आया हम प्रोबेबिलिटी का, बहुत मज़ा आएगा आपको। अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स, एक जार के अंदर 24 मार्बल्स है, सम आर ग्रीन एंड अदर्स आर ब्लू, कुछ ग्रीन है कुछ ब्लू है, ठीक है। इफ़ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी, अगर आप उस जार में से रेंडमली मार्बल का सिलेक्शन करते हैं तो ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी है आपके पास 2/3। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इन द जार, जार में कितने ब्लू मार्बल्स है, ब्लू के अपन तो ग्रीन भी निकाल देंगे। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स आपको पता है कितने हैं 24, लेकिन ये पता नहीं है कि कितने ब्लू हैं और कितने ग्रीन हैं। तो मैंने क्या किया, बड़ा सिंपल सा आंसर बताता हूँ मैं, बोलता हूँ लेट ब्लू मार्बल्स, ब्लू मार्बल्स को भैया मैंने क्या मान लिया, ब्लू मार्बल्स मान ली मैंने, एक्स है, सपोज इस जार के अंदर जो ब्लू मार्बल्स है वो एक्स है, क्योंकि पता ही नहीं है और ग्रीन भी नहीं पता, तो उसको क्या मान लूंगा, वाई। तो ब्लू को तो मैंने एक्स मान लिया और ग्रीन को मैंने क्या मान लिया, वाई। टोटल नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इक्वल टू एक्स एंड टोटल नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स इक्वल टू वाई। तो आपको एक कंडीशन तो पता है कि एक्स प्लस वाई मतलब टोटल कितना है आपके पास 24 दे रखा उसने, क्योंकि आपके पास जार के अंदर टोटल जो मार्बल है वो है 24, मतलब x प्लस वाई कितना है आपके पास 24, ठीक है बच्चों। आगे आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है ग्रीन की, तो ग्रीन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे निकालता हूँ मैं, ग्रीन के लिए क्या करूँगा, ग्रीन के फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल, अगर मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ पीजी से, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल्स, तो क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो ग्रीन मार्बल कितने हैं बच्चों, y, तो कैसे लिखूंगा, y और अपॉन में क्या लिखूंगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 24, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल मुझे दे रखा है पीजी, कितना दे रखा है मुझे 2/3, तो y अपॉन 24 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 2/3 के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद इस वाली कैलकुलेशन को सोल्व करना बड़ा सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 को y से करेंगे 3y,
24 को 2 से कर दीजिए, कितना आ जाएगा 48। y की वैल्यू निकाल देंगे 48 अपॉन 3, 3 से 48 कट जाएगा बच्चों 16, 3 जा 48 होता है, टेबल आनी चाहिए तो मज़ा आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 16, इसका मतलब मुझे पता लग चुका है जो ग्रीन मार्बल है, ग्रीन मार्बल्स कितने हैं मेरे पास 16 है। मुझसे क्या पूछा गया है, ब्लू निकालो, मर्जी पड़े जो निकालो, उसके लिए 24 में से माइनस कर दूंगा क्योंकि दोनों का सम मुझे 24 पता है। तो यहाँ पे जब मैं ब्लू मार्बल्स निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा 24 माइनस 16 दैट इज 8 मार्बल्स। क्लियर है, कितना सीधा क्वेश्चन था और एक मिनट का क्वेश्चन था ओनली। अब नया क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन मेरा इतना फेवरेट क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन इतना शानदार क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको देख के मज़ा आ जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रेंडम विल कंटेन 53 संडेज। यहाँ पे 53 के साथ कोई सा भी आपके पास डे आ सकता है, प्रोसीजर सेम ही रहेगा। संडे बोले 53, चाहे मंडे बोले, चाहे ट्यूसडे बोले, वीक का कोई सा भी डे बोले, प्रोसीजर सेम रहेगा और आंसर भी सेम रहेगा। ठीक है, तो 53 संडे आने चाहिए, किसमें, लीप ईयर में। तो पहले तो अभी से मेरे दिमाग में क्लियर हो गया कि लीप ईयर में मैं क्या करूँ, सबसे पहले नंबर ऑफ डेज निकालूँ, ठीक है, फिर उसके बाद में उसको क्या करूँ, फिर उसके बाद में उसको 7 से डिवाइड कर दूँ। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि हर वीक में एक संडे आएगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ डेज इन लीप ईयर, इन अ लीप ईयर कितने होते हैं लीप ईयर में, ये तो बच्चों का काम है, फर्स्ट क्लास के बच्चों को भी आता है, 366 लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हमें डेज को कन्वर्ट करना है बच्चों किसमें, वीक में, क्योंकि हमें पता है कि वन वीक में एक संडे आएगा, तो अपन यही वाला काम कर लेना यार। तो सबसे पहले 366 को मैं डिवाइड करूँगा बच्चों किससे, 7 से। तो देखिए कैसे होगा प्रोसेस, 7 5 जा 35, 1 बचा 16 आ गया, 7 2 जा 14, कितना बचा आपके पास रिमाइंडर, 2 बचा, इसका मतलब 52 तो आते ही हैं, तो 52 के बारे में तो पूछेगा ही नहीं। तो 52 संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे जो भी आप बोलें, क्योंकि 52 वीक्स आ चुके हैं आपके पास, आपके पास लीप ईयर में क्या होता है 52 तो वीक्स होते हैं और 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। ये देखिए ये रिमाइंडर जो आ रहा है, रिमाइंडर कहाँ में आएगा, डेज में ही तो आएगा, क्योंकि ये डे में ही तो कन्वर्ट किया था आपने, तो ये जो रिमाइंडर बचेगा किस में बचेगा, डेज में। तो 2 एक्स्ट्रा डेज, ये 2 एक्स्ट्रा दिन है, ये लफड़ा डालते हैं, बाकी तो और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो 52 तो आते ही हैं, संडे मंडे कुछ भी पूछो 52 तो फिक्स है, चाहे ऑर्डिनरी ईयर हो चाहे लीप ईयर हो। अगर ऑर्डिनरी ईयर होता ना तो यहाँ पे क्या बचता, यहाँ पे रिमाइंडर बचता 1, लेकिन ये लीप ईयर है तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, तो इसका मतलब ये जो 2 जो एक्स्ट्रा डेज हैं ये लफड़ा डालते हैं। तो इनकी कैलकुलेशन किस तरह से करता हूँ मैं, देखिए सपोज ये जो 2 एक्स्ट्रा डे आ रहे हैं ना मेरे पास, सपोज आज संडे है तो फिर कल क्या आएगा, मंडे आएगा कि नहीं आएगा, आज संडे तो कल क्या आएगा, मंडे। और अगर मान लो आज मंडे है तो कल क्या आएगा, ट्यूसडे। ऐसे तो पैर चलता ही थोड़ी कि आज संडे है तो कल थर्सडे आएगा, ऐसा थोड़ी होगा, आज संडे तो कल मंडे आएगा भैया। तो मैं पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ, अगर आज ट्यूसडे है तो कल क्या आएगा, वेंसडे, और अगर आज वेंसडे तो कल क्या आएगा बच्चों, थर्सडे, और अगर आज थर्सडे तो कल क्या आएगा, फ्राइडे, और अगर आज फ्राइडे है तो कल क्या आएगा, सैटरडे, और आज सैटरडे तो कल क्या आएगा, संडे। इसके बाद तो वही पिक्चर रिपीट हो जाएगी, अगर आज संडे तो कल क्या आएगा, मंडे आ तो क्या, बार बार थोड़ी करते रहेंगे, आज संडे तो कल मंडे आ तो क्या। तो ये आपके पास फेवरेबल आउटकम्स आप निकालेंगे, ये टोटल पूरी कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी कि फेवरेबल आउटकम्स आने के लिए आपका प्रोसेस क्या होगा। तो देखिए आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता लग चुके हैं, वो कितने हैं, 7, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। तो यहाँ पे जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो कितने हैं, 7। अब आपको क्या निकालना है, 53 संडे आने का प्रोग्राम चल रहा था तो 52 तो आ ही चुका, अब 53 के लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे कहाँ कहाँ पे संडे आ रहा है, ये केस आ गया भैया मेरा फेवरेबल संडे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद कहाँ चल गया, ये वाला केस आ गया, यहाँ पे भी मेरे पास संडे आ रहा है, तो इसका मतलब संडे आने के फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 2, और टोटल कितना है, 7। तो
आंसर आएगा 2/7। और आज से पूरी जिंदगी याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर फिक्स है 2/7, चाहे 53 संडे हो, चाहे 53 मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेंसडे हो, थर्सडे हो, कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा भैया 2/7। और अगर ये ऑर्डिनरी ईयर होता, लीप ईयर नहीं होता, तो उसका भी अभी सॉल्यूशन बता देता हूँ, तो आंसर आएगा 1/7। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में आपके पास सिर्फ वन डे एक्स्ट्रा रहेगा, तो वन डे रहेगा तो आप क्या बोलेंगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो एक ही बार आ सकता है, आंसर आएगा 1/7। यहाँ पे क्या आएगा 2/7। सबसे शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, अब नया लूंगा। देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है और ओनली 2 मिनट्स का क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। एक बैग के अंदर 5 तो रेड बॉल है और ब्लू बॉल्स है जो आपको पता नहीं है, तो सीधा सीधा काम है ना यार, नहीं पता तो एक्स मान लेते हैं, अभी से ही कहानी चालू कर देते हैं हमारी। लेट ब्लू बॉल्स, और इसी को निकलवाएगा और क्या करेगा, लेट ब्लू बॉल्स इक्वल टू एक्स, ठीक है ये हो गया काम। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल देट ऑफ अ रेड बॉल, मतलब ब्लू बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी रेड बॉल से क्या है, डबल है, तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी को आप बोल दीजिए P1 और रेड बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी को आप बोल दीजिए P2। इसका मतलब आपको अभी से रिलेशन पता है क्या, कि ये जो P1 है ना, ये किसके इक्वल है, 2P2 के इक्वल है। ये अपना स्टाइल है, एक ही बार में खत्म कर देते हैं। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, दैट इज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, twice of the probability of drawing a red ball, तो red ball को निकालने की probability P2 है और blue ball को निकालने की probability P1 है, तो ये relation मुझे मिल चुका है। अब कुछ नहीं करना, value put करनी और मैं इसको over कर दूंगा। किसी भी event के निकालने की probability का आपको formula पता होता है, number of favorable outcome upon total number of outcome, तो आपको पता है P1 blue के लिए, ब्लू को आपने क्या माना बच्चों, x माना, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल, तो टोटल में क्या आएगा, टोटल में है कहानी, टोटल का मतलब होता है ब्लू प्लस रेड, और ब्लू कितनी है, x है, रेड कितनी है, 5, तो टोटल बॉल्स कितनी आ जाएगी, x प्लस 5, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी आ जाएगी x अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू, 2 से तो मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ट्वाइस है, P2 रेड की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल्स कितनी है भैया, 5, और अपॉन में टोटल कितना आ जाएगा, x प्लस 5, ठीक है साहब चलना, तो अब इसकी तो 1 मिनट में कहानी खत्म होने वाली। x अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू, आपको इससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 10 10 अपॉन x प्लस 5। मेरे पास इसका आंसर अभी से तैयार है, अगर आप में अक्कल हो तो ये डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर दोनों की पिक्चर खत्म हो रही है, क्योंकि ये भी x प्लस 5 है और ये भी x प्लस 5 है। इस तरह का जब कॉन्सेप्ट होता है, बीच में इक्वल टू हो, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर की पिक्चर खत्म होती है और न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर की। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10, x की वैल्यू 10 आ चुकी है, इसका मतलब द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग आर 10। कितना ईजिली कर दिया मैंने, क्लियर है। अब एक मस्त क्वेश्चन लाएंगे, अब देखिए ये क्वेश्चन इतना सिंपल है, सीबीएसई 2017 में आया था, लेकिन क्वेश्चन देख के आपको मजा आ जाएगा कि सर इतना सीधा क्वेश्चन, जरा सा दिमाग है देखिए। पीटर थ्रोस 2 डिफरेंट डाइस टुगेदर एंड फाइंड्स द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स ऑब्टेंड। अब की बार पीटर अकेला है वो काम कर रहा है जो काम मैं और सर मिलकर कर रहे थे, मैं फेंकता था सर फेंकते थे, अब की बार पीटर क्या कर रहा है, दोनों हाथों का यूज कर रहा है, इधर से भी फेंकता है इधर से भी फेंकता है, मजा आ रहा है इसको करने दो, अब क्या करें, सवाल तो अपने को करना। पीटर थ्रोस 2 डिफरेंट डाइस टुगेदर, ठीक है, और कहानी क्या करता है, ये इधर से जो नंबर मिल रहा है, इधर से जो नंबर मिल रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो जब 2 डाइस की बात होती है, तो मैंने आपको टेबल बता रखी है, 1 1 1 2 1 3, याद है ना, वो टेबल पूरी चलेगी, आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, पीटर के केस में वो जो जो भी नंबर मिलते हैं उन सबको वो क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। जैसे पीटर की कहानी कैसे चलेगी, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये पिक्चर चलेगी कहाँ तक चलेगी, ये पिक्चर यहाँ से चलेगा 2 1 2 2, समझ में आ रहा है ना आपको, इस तरह से ये प्रोसेस चलेगी और चलते 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 यहाँ पे लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, 6 6। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में सारी बात बता रखी है, तो पीटर तो इस तरह से सीन बनाएगा, फिर क्या करता है ये उनको मल्टीप्लाई करता है, तो मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 1 आएगा, 1 को 2 से करेंगे 2 आएगा, 1 को 3 से करेंगे 3 आएगा, समझ में आ गई होगी आपको मेरी बात, 1 को 4 से करेंगे 4 आएगा, 1 को 5 से करेंगे 5 आएगा, ऐसे यहाँ पे 2 2 आएगा, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 2 को 3 से करेंगे 2 3 6 आएगा, ऐसे यहाँ पे 6 को 6 से करेंगे 36 आएगा, ऐसे यहाँ पे आपके पास आएगा 5 5, यहाँ पे आपके पास आएगा 5 6, ठीक है, मैंने क्यों लिखा भी आपको बताने वाला हूँ। ये तो काम पीटर कर रहा है,
रीना थ्रोज अ डाइस। अब रीना तो एक ही डाइस लेके आई, सीधी लड़की बेचारी, क्या कहती मैं लफड़ा नहीं करती, मैं तो एक ही डाइस से एक ही फेंकूंगी। तो रीना क्या कर रही है, ये तो पीटर कर रहा है मेरा दोस्त, लफड़े वाला आदमी कौन है, पीटर। रीना क्या कहती है, मेरे पास तो एक ही डाइस है उसी को फेंकूंगी और क्या करूंगी, रीना थ्रोज अ डाइस एंड स्क्वायर्स द नंबर ऑब्टेंड, जो भी नंबर मुझे मिलेगा मैं उसको स्क्वायर कर दूंगी। तो रीना के पास तो सीधा सीधा काम है, उसको तो 1 से लेके 6 तक मिल सकता है, बस 1 2 3 4 5 6 ये रीना के पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम है। लेकिन रीना क्या करती है, जैसे अगर ये मिला तो इसका स्क्वायर करेगी, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 2 मिलेगा तो 2 का स्क्वायर करेगी मतलब 4, 3 मिलेगा तो 3 का स्क्वायर करेगी 9, 4 मिलेगा तो 4 का स्क्वायर करेगी 16, 5 मिलेगा तो 5 का स्क्वायर करेगी 25 और 6 मिलेगा तो 6 का स्क्वायर करेगी 36, मतलब ये जो नंबर मिलता है उसका स्क्वायर करती है। पीटर क्या करता है, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करता है। देखिए, हु हैज़ द बेटर चांस टू गेट द नंबर 25, मतलब 25 आने की जो बेटर पॉसिबिलिटी है, मतलब वो जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके पास बेटर है, किसके पास बेटर है मतलब किसको ईजिली मिल सकता है। तो देखिए, पीटर को तो एक ही केस में मिल सकता है बेचारे को, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई करता है, और वो कब आएगा जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा तभी 25 आएगा, वरना और कोई सा भी आउटकम पीटर लेके आ जाए कभी भी आंसर 25 नहीं आएगा। तो पीटर के केस में मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी कितनी है P1, तो पीटर के केस में आंसर क्या आएगा 1/36, क्योंकि यही एक अकेला फेवरेबल आउटकम है जब आंसर आ सकता है 25, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपको पता ही कितने होते हैं 36, तो पीटर के लिए प्रोबेबिलिटी आ गई 1/36। ठीक है साहब, अब नंबर लेते हैं हम रीना मैडम का, तो रीना के लिए प्रोबेबिलिटी हम बोलते हैं P2। तो यहाँ पे क्या होगा, रीना ने ये फेंका ये फेंका ये फेंका, जैसे रीना ने फेंका 5 आया, 5 आते रीना क्या कर देगी, उसके स्क्वायर कर देगी। तो रीना के पास एक ही कंडीशन है कि उसके पास 5 आना चाहिए, और 5 आते उसका स्क्वायर कर देती है। तो रीना के पास फेवरेबल आउटकम कितना है, वो भी 1 ही है, तो आंसर कितना आएगा 1/6, क्योंकि अब की बार रीना के लिए सिर्फ एक ही डाइस के बारे में बात चल रही थी, और एक डाइस पे टोटल आउटकम कितने होते हैं 6 होते हैं, तो रीना के लिए प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/6, मेरे दोस्त पीटर के लिए आ जाएगी 1/36। तो आप देखिए, P1 तो है 1/36, P2 है 1/6, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दोनों को कंपेयर करना है, दोनों का न्यूमरेटर क्या है बच्चों सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा होता है, इसका मतलब P2 ग्रेटर देन P1, रीना के पास ज़्यादा बेटर चांस है किससे, मेरे दोस्त पीटर से। इसका मतलब क्या हुआ, हु हैज़ बेटर चांस To get the number 25, Reena has better chance to get the number 25. कहानी खत्म, ठीक है, ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम कल मिलते हैं, और आपको कुछ भी पूछना हो आप इजीली कल पूछिए, ठीक है बच्चों, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, जाइए मस्त रहिए, आराम से अच्छे से कंपेयर